जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। आज आप लोगों के सामने मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। तो जैसे कि फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि भारत को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, जो उस टाइम ब्रिटिश की कॉइन थी। ये जस्ट हम फ्रेंड कुछ एक बातों को शॉर्ट टर्म एज्यूम भी करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप जस्ट ट्रिक को पकड़े, बाकी ऑन स्लाइड लॉट। पहले भारत को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो जो हाँ वहाँ की कॉइन थी उसने वॉरंट जारी करा कि हमें इंडिया से ट्रेड करना है, बहुत सारा हमें मनी अपने ब्रिटिश कंट्री में लाना है। तो उसके लिए उन्होंने टीम बनाई, 10 से 12 लोगों को जोड़ा, और उस जो टीम बनाई उसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन मैकपर्सन। अब जो टीम का लीडर होगा वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे तो फोड़ होगी, तो उसके लिए उन्हें जॉन से याद रखना, जॉन बोले डोले छोले। तो जब वो जाते हैं तो इंडिया की टेरिटरी देखते हैं, मतलब इंडिया बहुत बड़ा है, तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि इंडिया बॉर्डर क्या है, और इंडिया के ऊपर अगर कोई दूसरी कंट्री भी ट्रेड करने के लिए आती है तो हमें कैसा पता लगेगा। तो उसके लिए जो जॉन थे उन्होंने अपनी टीम से कहा कि हम इंडिया के हर टेरिटरी में अपने एक एक बंदे को भेज देंगे और वो वहाँ पर खड़े रहेंगे। तो उनकी जो सारी टीम वालों ने कहा जी सर, मतलब जॉन शोरे, और उन सबको कहा कि उन सबके पास एक एक बैल दी जाएगी, और वो जो बैल होगी अगर कोई दूसरी कंट्री से या कोई शिप इंडिया की तरफ आ रहा है तो तुम उस बैल को रिंग करोगे, मतलब बचाओगे। तो उनमें से जो एक बंदा होता है उसकी ड्यूटी लगती है, वो लगती है टूपर द साउथ इंडिया, मतलब बहुत ही लो साइड टूपर द सी, और वो डरता है। तो जो जॉन होता है वो उसे बोलता है कि लो यार मिंटो खा लो, तुम डरना नहीं है। जैसे उसको मिंटो देते हैं वो हंसता है, जैसे ही वो हंसता है फिर उसके बाद उसे लगता है नहीं अगर मैं मर गया तो फिर जॉन कहता है अरे तुम मरोगे नहीं, तुम तो फिर अमर हो जाओगे अगर कुछ ऐसा वैसा भी हो गया। फिर बोलता है अच्छा मैं अमर हो जाऊँगा तुम, लेकिन मुझे अपनी बहन से बात करनी है। अच्छा बहन से बात करनी है, विलियम बैंटिक। तो फिर वो अपने बहन से या भाई से बात करता है दोनों से, और वो बोलते कि क्या हुआ था, वो अपनी सारी कहानी बताते कि वैसे वैसे मेरी जो ड्यूटी है वहाँ लगी। तो चार्ल्स मेटकॉफ, तो उनके फ्रेंड है उसका, तो उसकी सिस्टर एंड उसके ब्रदर होते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम आपस में मिलो, चीयर्स करो, एंड तुम्हें डर डर फिर कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वो बोलता है लेकिन अभी तो हमें आगे टनल भी बनानी है। टनल के लिए फ्रेंड आपको याद रखना, बट जो लॉर्ड ऑकलैंड नाम की एक टनल है जो शिमला में, आप सभी को पता होगा ये बहुत ही फेमस टनल है। फिर बोलते कोई नहीं, टनल तो हम जल्दी बना देंगे, क्योंकि हमारे ब्रिटिश के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो बोलता है जो बंदा जिसकी ड्यूटी साउथ इंडिया में लगती है, नहीं ब्रो टनल बनाना बहुत हार्ड है। फिर बोलता क्यों, क्योंकि इंडिया में तो हिली एरिया बहुत है। फिर बोलते तो क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो उसका जो भाई होता है जब वो फोन पाता तो बोलता है यार तू भी यार डली है, तुझे कहाँ भेज दें। जैसे वो सुनता है मैं डल नहीं हूँ, बोलता नहीं मैं डल नहीं हूँ। फ्रेंड्स ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब फ्रेंड आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नेता था, कौन सा लीडर था जिसने ये कहा था कि जो डेमोक्रेसी है वो विदाउट पार्टी से भी चल सकती है। अगर फ्रेंड आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं पता है तो गूगल में जाइए और इससे आप लोगों को मुझे, और ये जो एक क्वेश्चन है ये किसी स्टेट की PSC में पूछा गया एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन ओल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड्स फीडबैक दे इस वीडियो की कि आप लोगों को कैसे लगी, पसंद आई हो नहीं आई हो, तो उसका भी फ्रेंड्स रीज़न दे, क्योंकि मेरी पहली यूट्यूब वीडियो। बाकी फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
stay fit, stay motivated. Thank you.